नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। उसने एनटीए से कहा है कि शनिवार 12 बजे तक छात्रों के अंक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं। शहरों और सेंटर्स के हिसाब से अंक जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि छात्रों की पहचान छिपाई जाए। बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस मामले में 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट निर्णायक सुनवाई करेगा। नीट यूजी 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है और एनटीए को कहा है कि वो शनिवार दोपहर तक सारे जो रिजल्ट है छात्रों के जो अंक हैं उनको शहर और सेंटर वाइज वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। हालांकि छात्रों की पहचान छुपा कर रखी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा अहम आदेश जारी किया है, कहा है कि 22 जुलाई को बिहार पुलिस की जो जांच हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट और केस डायरी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। 22 जुलाई को एक निर्णायक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को हम इस मामले में सबसे पहले सुबह सुनवाई करेंगे 10:30 बजे और उसी दिन फैसला भी देने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ये 3 जजेज की बेंच है जिसने करीब 3 घंटे तक सुनवाई की है। एनटीए केंद्र सरकार से बड़े सवाल भी पूछे हैं, याचिकाकर्ताओं से भी सवाल पूछे हैं। यहाँ पर एनटीए की तरफ से जो तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये माना है कि पटना और हजारीबाग में लिंक है, पेपर ब्रीच हुआ था, क्वेश्चन पेपर के फोटो खींचे गए थे और ये सब परीक्षा से के दिन सुबह 8:02 से 10:23 के बीच हुआ था, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन 150 से ज़्यादा छात्र नहीं हैं जिनको इसका फ़ायदा हुआ हो, इसलिए किसी भी सूरत में दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि पेपर ब्रीच हुआ था। अब ये देखना है कि किस लेवल पे ये हुआ था। हालांकि जो बेंच है उसने तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद 2 या 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि डेटा देखने से साफ है कि जो टॉप 100 जो स्टूडेंट हैं जो टॉपर हैं वो भारत के 13 अलग अलग राज्यों जिसमें 12 राज्य और 1 यूटी है वहाँ के हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक पर्टिकुलर सेंटर से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए छात्रों की पहचान छुपाकर उनके अंक जो हैं वो प्रकाशित किए जाए, सार्वजनिक किए जाए शहर और सेंटर के साथ। इसके अलावा याचिकाकर्ता कह रहे थे कि पेपर पूरी तरह लीक हुआ है और ये 5 मई को लीक नहीं हुआ बल्कि 4 मई को लीक हुआ है और बिहार पुलिस की FIR ये कहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की FIR की जांच और केस डायरी मांगी है। एक अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो नीट परीक्षा है क्या वो दोबारा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि परीक्षा एक ही शर्त पे दोबारा हो सकती है, जब ये साबित कर दिया जाए, संतुष्ट कर दिया जाए कि जो परीक्षा है उसकी पवित्रता, उसकी जो अखंडता है वो प्रभावित हुई है। तो एक बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है 23 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है और एक अहम सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा आदेश जारी करे। ये जो पूरा मामला है अब उसकी अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। नई दिल्ली से पूजा आर्या के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।